पैदल पैदल ट्रैक करके गए थे बागसूनाग तक। स्मोकिंग यहाँ अलाउ नहीं है, ये नीचे वाला मेरा डोरमेट्री है, ये यहाँ का कॉमन एरिया है पूरा का पूरा, और यहाँ पर ऊपर भी बैठ सकते हो आप, यहाँ से इसका चढ़ने का रास्ता है, ये गेम्स वगैरह है यहाँ पर आप स्मोक कर सकते हो आराम से। बजट ट्रेवलर्स के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। वॉल देखो कितनी प्यारी बना रखी है इन्होंने, ये वाला हमारा रूम है, यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा रास्ता कहाँ है और यहाँ क्या क्या देखने की चीज है। सो अभी हम धर्मकोट से आ चुके हैं मैक्लोडगंज के अंदर, और ये जोस्टल यहाँ पर भी हमें मिल गया जोस्टल, और यहीं पे आज का जो मेरा बसेरा है रात का वो जोस्टल के अंदर है मैक्लोडगंज के अंदर। और धर्मकोट से मैंने चेकआउट किया था, और चेकआउट करके फिर हम पैदल पैदल ट्रैक करके गए थे बागसूनाग तक, वहाँ थोड़े घूमे, मार्केट थोड़ी सी एक्सप्लोर करी, और वहाँ से अब हम पैदल ही आए हैं पूरा ट्रैक करके अपना जैसे भी था। और अभी यहाँ पर मैंने अपना डोरमेट्री ले लिया है, तो अभी थोड़ी देर में आपको डोरमेट्री भी दिखाते हैं। गेट है मेरे रूम का, और ये मैंने दूसरा हॉस्टल बुक किया है जो कि मैक्लोडगंज के अंदर ही है, ये नीचे वाला मेरा डोरमेट्री है, और यहाँ पर भी कोई है अभी तो, बाकी अभी मेरा तो यही है। बाकी मेरे को बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगी, आप खुद देख सकते हो कितनी ज़्यादा नाइस है। स्मोकिंग यहाँ अलाउ नहीं है और ड्रिंकिंग यहाँ अलाउ नहीं है, आप बालकनी में कुछ कर सकते हो बट अंदर रूम में नहीं, और पूरे हॉस्टल में कहीं नहीं, बट स्मोकिंग कर सकते हो बालकनी में, लेकिन ड्रिंकिंग तो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। तो ये है गोस्ट ऑफ हॉस्टल का रूम, और यहाँ पर ये लॉकर है, आप इसमें सामान रख सकते हो, जैसे ये मैंने अपना सारा सामान इसमें रख रखा है, ये रहा इधर। सो ये लॉकर है, यहाँ शूज उतारो, और साथ में ये है वॉशरूम, आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा है, पढ़ो, प्लीज लेट अस नो इफ यू आर रूम बैड टॉयलेट नीड टू बी क्लीन। सो ये वॉशरूम है, ये शीशा दे रखा है, एग्जॉस्ट गीजर है, वॉशरूम अच्छा है, और ठंडा पानी गर्म पानी शॉवर सारी सुविधा है यहाँ पर। सो ये है जोस्टल का रूम, और बालकनी बाहर से कल दिखाऊंगा क्योंकि अभी अंधेरा है, रात हो चुकी है, कुछ दिखेगा नहीं। और मैं यहाँ के अभी कॉमन एरिया में बैठा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो एडिट कर रहा हूँ क्योंकि आप तक पहुँचानी है। और ये हॉस्टल सही है यार, अभी ये ऑनलाइन नहीं आया है, हो सकता है जब ये वीडियो डलेगी उसके पहले ही ये मतलब ऑनलाइन आ जाए, मतलब एप्लीकेशंस वगैरह पर शो हो जाए ये हॉस्टल। प्रॉपर्टी बहुत नाइस है, और यहाँ का जो यहाँ की जो मतलब शाम की जो वाइब्स है ना यार, खतरनाक, और व्यू तो और भी प्यारा। ये यहाँ का कॉमन एरिया है पूरा का पूरा, उधर रिसेप्शन है, अपना ऑर्डर्स वगैरह वहाँ दे सकते हो, खाने वगैरह का या कुछ भी, कैरम बोर्ड खेल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ये बैठने का है यहाँ पर, बुक्स वगैरह भी आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, और बाहर की तरफ ये अपना डाइनिंग एरिया है पूरा, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। तो और यहाँ पर ऊपर भी बैठ सकते हो आप, यहाँ से इसका चढ़ने का रास्ता है, उधर से भी, यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है जहाँ आप अपना शाम को म्यूज़िक वगैरह चला सकते हो, और देखो कितनी प्यारी लुक है, ये गेम्स वगैरह है यहाँ पर, आप लोग बैठ के आराम से खेल सकते हो यहाँ पर। और मतलब यार प्रॉपर्टी सच में बड़ी नाइस प्रॉपर्टी बनाई है, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ठीक है, मतलब मेरे को ये पड़ा है 4 बेड डॉर्मेट्री लिया है मैंने, तो इसका पड़ा है मेरे को 600 रुपये पर डे का। और ये बाहर का एरिया स्मोकिंग जोन बोलते हैं इसे, यहाँ पर आप स्मोक कर सकते हो आराम से, और ये डाइनिंग एरिया बना रखा है इन लोगों ने, मतलब प्रॉपर्टी इतनी नाइस बना रखी है ना यार, देख रहे हो स्कूटर, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी बना रखी है इन लोगों ने। ये पूरा जो हॉस्टल है, और ये यहाँ से व्यू है, आप देखो यार 600 रुपये में आपको ऐसा व्यू मिल रहा है, और क्या लोगे। सो ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है, अंदर चलते हैं और अंदर दिखाता हूँ आपको, स्मोकिंग जोन मतलब शीशे के बाहर। सो ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर बुक्स वगैरह भी हैं, आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, और ये स्क्रीन लगी है, यहाँ म्यूज़िक वगैरह वीडियोस चला सकते हो, ऊपर जाके भी बैठ सकते हो आप, फ़ैन वगैरह लगा रखे हैं, मौसम तो वैसे यहाँ ठंडा रहता है, और स्पीकर्स हैं म्यूज़िक वगैरह की आवाज़, यहाँ से हम नीचे जाते अपने रूम की तरफ वो भी दिखाएंगे, और यहाँ से ऊपर जाने का है पूरा, आपको दिखा दूँ, ये देखो यहाँ ऊपर जाके आप बैठ सकते हो आराम से। ये यहाँ की रिसेप्शन है, बड़ी प्यारी बना रखी है यार, ये देखो कितनी सही बना रखी है। तो ये है
मैक्लोडगंज का जोस्टल। ये था मैक्लोडगंज का जोस्टल, आपको मैंने दिखाया। कैसी लगी प्रॉपर्टी? अच्छी है ना यार, 600 रुपये में और क्या लोगे। रूम तो आपने देख लिया होगा, कितना साफ है, कितना क्लीन है, मतलब खतरनाक। 600 रुपये में बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं ये। और यहाँ पर क्या है ना, थोड़े से रूल्स भी स्ट्रिक है, मतलब आप स्मोकिंग यहाँ नहीं कर सकते। मतलब डाइनिंग एरिया जो बाहर की तरफ है, आप वहाँ कर सकते हो। रूम के अंदर ड्रिंक नहीं कर सकते, और ड्रिंक रूम के अंदर क्या मतलब पूरे इस हॉस्टल के अंदर आप ड्रिंक नहीं कर सकते। स्मोकिंग अलाउ है पर ड्रिंक अलाउ नहीं है। तो ये है जो हॉस्टल, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। 600 रुपये में इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बजट ट्रेवलर्स के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। मैं अभी तक 3 हॉस्टल में रुका। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया बैकपैकर इन, उसके बाद धर्मकोट का जो हॉस्टल, और अब जो हॉस्टल मैक्लोडगंज का। सो ये है यहाँ का वर्किंग एरिया, आप यहाँ बैठ के अपना काम कर सकते हो आराम से। व्यू भी है और बहुत साफ है यहाँ पर, क्लीनिनेस बहुत अच्छी है आप देख सकते हो। और वॉल देखो कितनी प्यारी बना रखी है इन्होंने। सो ये यहाँ का वर्किंग एरिया है, और वॉल देखो कितनी प्यारी बना रखी है। यहाँ पर बैठ के आप अपना काम वगैरह कर सकते हो, आप देख सकते हो उधर कितना सही है। थोड़ा शांत एरिया है क्योंकि वर्किंग जोन है ना। और इधर रूम वगैरह है, और ये यहाँ का रिसेप्शन है वैसे। सो और ये नीचे जाने का रास्ता देख लिया आप लोगों ने, चलते हैं नीचे अपने रूम में। मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। ये वाला हमारा रूम है, सॉरी नेक्स्ट वाला हमारा रूम है। नीचे सीढ़ियों से जाते हैं, और भैया फिसलन थोड़ी ज़्यादा है, ध्यान से चलना पड़ता है थोड़ा। ये पूरा इनका हॉस्टल का जोन है, चलते हैं फिर। इधर से भी आप ऊपर जा सकते हो जहाँ से मैं अभी आया हूँ। और ये मेरा रूम है। ओह, ये हमारा रूम है, आपको पहले ही दिखा दिया था। ये देखो कितना प्यारा इन्होंने पूरा मैक्लोडगंज का मैप बना रखा है यहाँ पर, कि यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा रास्ता कहाँ है और यहाँ क्या क्या देखने की चीज़ है। बहुत सही बना रखा है। इट फील गुड टू बी लॉस्ट इन द राइट डायरेक्शन। और इधर ये सब चीज़ लिख रखी है, मतलब यार बड़ी सही लोकेशन पर मेरे को ये हॉस्टल मिल गया कसम से। बहुत प्यारी बना रखा है ये मैप, देख रहे हो तुम कितना सही मैप बना रखा है सारी चीज। ये है रोपवे में बैठ चुका हूँ। ये देखो ये सामने जो दिख रहा है, ये अपना दलाई लामा टेम्पल है। जो पुरानी चीजें इन्होंने इकट्ठी करके ये पूरा म्यूजियम बना रखा है। अब मैं चल रहा हूँ स्टेडियम की तरफ, तो स्टेडियम मिलते हैं आज। कितने नज़ारे लो।